अथ तृतीय खंड प्रथम अध्याय का तीसरा खंड आरंभ होता है। भोग साधन का सृष्टि कथन करके अब भोग की सृष्टि का कथन करने जा रहे। सईक्षते मे लोकाश लोक पालाश्चान्न मेप्य सृजा इति सईक्षता। उसने ईक्षण किया, उस ईश्वर ने पुनः चिंतन किया। क्या चिंतन किया? इन लोक और लोकपालों की रचना तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब मैं इन लोकपालों के लिए अन्न की रचना करूं। इमे लोकाः लोकपालाश्च सृष्टा, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। पहले मैंने सृजन कर लिया, अब एभ्य उन लोगों के लिए अन्नम सृजा, मैं अन्न का सृष्टि करूं, अन्न की रचना करूं, ऐसा उसने विचार कर लिया। स एवं ईश्वर ईक्षता, स ईश्वर ईश्वर ने एवं ईक्षता ऐसा विचार किया, ऐसा संकल्प किया, चिंतन किया। क्या कथम इमेन लोका श्लोक पाला समया सृष्टा अशर पिपाशाभ्यंच संयोजिता। किस प्रकार चिंतन किया? यह सोचने लगा इमेन लोका श्लोक पालाश्च, ये जो लोक हैं और लोकपाल हैं, मेरे द्वारा सृष्टा सृजन कर लिया गया है। अशनया पिपासाभ्यां च संयोजिता, और भूख एवं प्यास से मैं इनको युक्त भी कर दिया हूँ। जब लोक माने शरीर आदि और लोकपाल इंद्रियों सहित सब कुछ जब सृष्टि कर दिया, तो भूख और प्यास के द्वारा मैं इनको जोड़ भी दिया हूँ। अभी ना भूख प्यास तो लगेगा ही, ये तो चिल्लाएंगे भूख के प्यास के हमारे, अभी ना अन्न का कैसे जीवित रह जाएंगे। अतो नैषां स्थितिर अन्नम मंत्रेण, इसलिए येषां इन देवताओं की जो स्थिति है अन्नम मंत्रेण न, अन्न के बिना नहीं हो सकता। तस्मात् अन्नमेभ्य लोकपालेभ्यः सृजयि सृजयति, इसलिए मैं अब इन लोकपालों के लिए अन्न का सृष्टि करूं। एवं लोके ईश्वर नाम अनुग्रह निग्रह च स्वातंत्र दृष्टम, इस प्रकार से लोक में ईश्वरों का जो भी समर्थ लोग होते, राजा वगैरह, अपनी प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने या निग्रह करने में स्वतंत्रता लोक में भी देखने को मिलता है। किन पर? स्वेषु ईश्वर नाम स्वेषु अनुग्रह निग्रह च स्वातंत्र लोके पिदृष्टम तद्वत, उसी प्रकार तो महेश्वर है, तो महेश्वर से भी मान ईश्वर है। लोक में भी जो ईश्वर माने जाते हैं, स्वामी है, मालिक है, घर का मालिक है, शहर का मालिक है, देश का मालिक है, वो सब ईश्वर ही है। इसे ना मंडल के ईश्वर, मंडलेश्वर बोलते हैं। ये मंडलेश्वर नहीं ना आजकल के, हम जो कह रहे हैं पहले जमाने में होते थे मंडल, आज होते ना गढ़वाड़ मंडल, कुमाऊं मंडल, मेरठ मंडल, अनेक जिलों को मिला के एक मंडल पहले भी जमाने में होता था, छोटे छोटे अनेक जगह मिला के एक मंडल कर देते, उस मंडल का अधिकारी जो होता है उसको मंडलेश्वर, जिसको अंग्रेजों ने उसको क्या नाम रख दिया था, कमिश्नर, कमिश्नरी, उतने एरिया को एक कमिश्नरी कहकर उसका कमिश्नर साहब होते थे। ऐसा अनेक होते थे ना, अनेक मंडल थे, एक देश के अंदर एक ही मंडल होता है क्या? आश्रम में मंडलेश्वर पहले होते ही नहीं थे, सब बाद में सब नाटक शुरू हो रखा है। पहले तो मंडलेश्वर नाम की चीज होता ही नहीं थी, तो अखाड़े वालों ने बाद में सब ड्रामा रचा। वो क्या करने लगे, विद्वानों को सम्मान करते थे अखाड़े के लोग, वो अनपढ़ थे ही, वो कहते आज हमारे आचार्य गुरु हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप हम लोगों को संस्कार करो, हाँ संन्यास वगैरह बनिष्ठ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य दीक्षा वगैरह देना, ऐसे उन्होंने सम्मान किया, उनको हमारा आचार्य गुरु मान लिया उन्होंने। अभी धीरे धीरे वो एक ऐसे कई विद्वान होते, उन्होंने कहा हमारे को भी बना दो, एक दूसरे विद्वान एक दूसरे को बोलने लग गए, उन्होंने भाई इनको भी बना दो, इनको भी बना दो, अब अनेक हो गए तो क्या करें, उनको एक टाइटल देना पड़ा, विशेषण दिया गया, मंडलेश्वर नाम रख दिया गया। ये सब बहुत बाद के खेल है, आना शंकराचार्य के जमाने में सब थे नहीं, होते तो मठाधीश बोलते थे, मठ है ये मठाधीश, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, मठ होता था, मठाधीश होते थे, मटका मठाधीश, और पीठ रखते पीठाधीश्वर होते थे। अब ये सब बाद में घुसा दिया गया है,
जितनी भी संज्ञाएं बदलती रहती है समय समय पर, जैसे पहले देखो उपाध्याय होते थे, महोपाध्याय होते थे, उपाध्याय महोपाध्याय, उससे पहले देव और भट्ट टाइटल था, देव और भट्ट, जो आजकल उसको हम क्या बोलते हैं, शास्त्री और आचार्य। संज्ञा बदल रही है समय समय पर, अभी भी कई यूनिवर्सिटी वाले शास्त्री आचार्य नहीं देते, वो तीर्थ देते, तीर्थ टाइटल, न्याय तीर्थ, न्याय आचार्य नहीं बोलेंगे, न्याय तीर्थ, ये मीमांसा तीर्थ, अभी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऐसा है, अपनी अपनी है मर्जी। तो ये सब संज्ञाएं हैं। तो वास्तविक जो प्रचार जो था राजाओं के जमाने में, मंडलेश्वर से मंडल, अनेक क्षेत्र, लंबा चौड़े क्षेत्र को, जिसके नीचे अनेक छोटे 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 और राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे, जो सरदार बोलते, सरदार लोग, सिपाही सलवार बोलते थे, अलग अलग शब्दावली थी उस जमाने में। इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा उस जमाने की शब्दावलियाँ, हाँ तो उसमें था उस जमाने में, होते उन लोगों के ऊपर एक होता था। तो उन ईश्वर लोक में भी देखते हैं ऐसा जो ईश्वर होते हैं वो स्वाधीन लोगों के ऊपर अनुग्रह निग्रह करने में स्वतंत्र हुआ करते हैं, थे तो महान ईश्वर संसार का ही मालिक है, इसका तो कहना ही क्या, सर्वेश्वरत्वात् सर्वान् प्रति निग्रह अनुग्रह स्वातंत्र्यमेव, सभी के प्रति निग्रह और अनुग्रह करने में स्वातंत्र तो कहने की जरूरत क्या है, कई मित्र ने बता दिया। सो अपोभ्य तपत ताभ्य विदप्ताभ्यो मूर्ति रजायत, या वैसा मूर्ति रजायत अन्नम वही तत्, वन की सृष्टि की इच्छा से उस ईश्वर ने पूर्वोक्त जल प्रदान पंचभूतों पर पूर्व प्रक्रिया प्रक्रिया के अनुसार ही उनको लक्ष्य करके तप किया, चिंतन किया, तब उन अभितप्त जल से ही क्या हुआ, मूर्ति रजायत, मूर्ति उत्पन्न हुई। मूर्ति से तात्पर्य नहीं कि भगवान विष्णु का मूर्ति, राम का मूर्ति, वो मूर्ति ने मूर्ति मतलब ठोस चराचर घनीभूत पदार्थ प्रकट हुआ, घनीभूत प्रकट। आज भी कितने जल देना पड़ता है खेती में, है ना, तभी तो पेड़ पौधे होते हैं, धान होता है, गेहूं होता है, ऐसे थोड़े हो जाता है, बीज बो दो छोड़ दो, पानी ना पड़े, पानी बहुत देना पड़ता है तब जाके फसल निकलते हैं। साल भर पानी बारिश हो रहा है, हर महीने दो चार बार, बरसात में तो रोज रोज होता है, तब जाके साल में एक बार आम मिलेगा, एक बार कटहल का फल होगा, एक बार पेड़ क्या होते, एक ही बार फल देते ना, साल भर पानी पड़ा कि नहीं पड़ा टाइम टाइम पर। इसलिए पानी से ही वास्तव में एक घनीभूत अन्न, चाहे चर और अचर दोनों प्रकार का अन्न प्रकट हुआ। कि चर इसलिए भी, जैसे मनुष्य भी क्या है, जल प्रदान है ना, पुरुष का वीर्य जल प्रदान है, स्त्री का रज भी जल प्रदान है, दोनों का मिक्सचर से बच्चा पैदा होता है। इसको भी खाने वाले पशु हैं, मनुष्य को भी खा जाते हैं, मनुष्य भी पशुओं को खा रहा है, पशु पशु को खाता है, चूहारे को, हाँ गेहूं चावल वगैरह खा जा रहा है, चूहे को खाने वाला खड़ा है बिल्ली, एक दूसरे को जीवो जीवो से अन्नम है, चर और अचर सब एक दूसरे का अन्न हो रहे हैं। इसे चराचर सबको ले लिया, अमर मूर्ति शब्द से अजायता उत्पन्न हुई, या वैसा मूर्ति, वह यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई है, घनीभूत वस्तु पैदा हुआ, अन्नम वही तत् निश्चित रूपेण, वह अन्न ही है और दूसरा कुछ नहीं है। साईश्वर वैश्वर अन्नम सुसृक्ष, अन्न का सृजन करने की इच्छा वाला वह ईश्वर ने क्या किया, ता एव पूर्वोक्त तप उद्देश्य, उन्हीं पूर्वोक्त जल प्रदान पंचभूतों पर को उद्देश्य करके अप्य तपत उसे तपा, चिंतन किया, ध्यान किया, मनन किया, इनसे कैसे बनेगा। ताभ्यो अभितप्ताभ्य उपादान भूताभ्यो, वह यह जो ईश्वर का अभिध्यान से तप्त हुए के समान तपे हुए वे जो उपादान भूता जल प्रदान पंचभूतों से मूर्तिर घन रूपम धारण समर्थन चराचर लक्षणम वजायत, मूर्ति बने घन रूप ठोस धारण करने में समर्थ, ऐसे चर और अचर सकल पदार्थ के अन्न अजायत उत्पन्न हुए। इसलिए आनंद गिरिकार कहते हैं, एते भी भूतेभ्यो
मनुष्यादीनाम अन्नभूता व्रीहादेव जायन्ताम् मार्जरादीनाम अन्नभूतानि मूषकादीनि जायन्ताम् इति पर्यालोचनम संकल्पं कृतवान्। ये चिंतन किया उसने, इन भूतों से मनुष्यादि के योग्य अन्नभूत व्रीहादि पैदा होवे और बिल्ली आदि के योग्य चूहादि पैदा होवे, ऐसा उसने संकल्प करते गया। हर जीव के लिए दूसरा अन्न का संकल्प करते गया, इन मनुष्यों के लिए भिन्न प्रकार की सब्जी दाल चावल गेहूं सब संकल्प कर दिया। हाँ हम लोग का अन्न है ये सब, हाँ बिल्कुल उनका अन्न है, नहीं तो मर जाएंगे वो चूहों के बिना। बिल्ली क्या करके दूध पी के थोड़ी जिएगा, मर जाएगा वो। इसी भी शाकाहारी मांसाहारी इसे तो कहा ना, अंग्रेज लोग भी मानते हैं इसको, उन लोगों के अभी पशुओं को दो भाग कर दिया ना, शाकाहारी मांसाहारी, पशुओं में भी है मनुष्य में भी है, मनुष्य भी शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। किनको? अच्छा आपका अन्न है क्या? नहीं, आपने क्यों मारा? अरे जिसको मारने का अधिकार वो मारे, वो खाए, मारा होगा खाएगी, तुम्हारा अधिकार नहीं है मार के बिल्ली को खिलाना। आपको अधिकार किसने दिया? चूहे को मार के तुम बिल्ली को सामने फेंको इसको, ये तो बिल्ली अपना मार के खाए अपना अन्न। कि बिल्ली आपको गेहूं बो करके तैयार करके गेहूं ला के आपको देता है क्या? मालिक आपने मेरे को चूहा काट के मार के दिया था, इसे मैं आज आपको एक बोरी गेहूं दे रहा हूं, वो तो नहीं लाके देते आपको, आप उनको गेहूं बना रहे हो, ये बहाना बनाते हो। अनधिकृत चेष्टा है वास्तव में, या नहीं? वो उनका काम करें, हम अपना करें। हम गेहूं काटने का अधिकार है, हम गेहूं काटेंगे। धान काटने का अधिकार है, हम धान को काटेंगे। वो हमारा अन्न है, हमारे लिए बना है। वो भी जीव है, वो हम कहाँ कर रहा है उसका अधिकार है? चूहे का भोजन है वो गेहूं, केवल आपका ही भोजन है क्या? चूहा क्या खाएगा फिर? वो बिल्ली को खाएगा क्या? ये तो आपका सोचने वाली बात है, आपका बच्चा खाने से ज्यादा खराब नहीं करता क्या? जब आप बच्चे को थाली में भोजन देते हो क्या करता है बच्चा? अम्मी वो आधा खाता है, आधा ऊपर डालता है, इधर डालता है, इधर डालता है, इधर डालता है, इधर डालता है, उधर डालता है, चारों तरफ फेंकता है, तो वो खराब नहीं लग रहा आपको? अरे मेरा बच्चा कि मोह ममता है ना वहाँ पे। अरे हर चीज का अपना अपना है, संसार की है, भगवान की माया है, लीला है। वो जितना खराब कर रहे होना है खराब, उसके माध्यम से होना था, आप क्या रोक लोगे उसको, कितना रोक लोगे? एक के घर में हमने बहुत पहले जाता था, वो लोग बहुत कंप्लेंट करते थे चूहों का, उन्हें क्या कहते, बड़ा बड़ा चूहादानी होता है ना, एक केंद्र घर वाला ऐसे वालों को रखा, बस मार चूहे रोजाना 10-20 के अंदर फंसते थे, लेकिन संख्या कम हुई नहीं, बढ़ती गई बढ़ती गई। अब बड़े बड़े आने लग गए, बड़े बड़े इतने इतने मोटे मोटे आने लग गए, हाँ चूहा बड़ा बड़ा। अब उन लोग घबरा गए, उनके छोटे छोटे बच्चे परेशान होने लग गए, तो बड़े बड़े आने लग गए। मैंने देखा ना, तुमने छोटे छोटे को मारा, अब भगवान ने बड़े बड़े को भेज दी, अब इनको भी मारो, इसी बड़ा आ जाएंगे, क्या करोगे? मारो ही मत, उनका अपना अधिकार छोड़ो, जितना मारोगे उतना ही ज्यादा आपको पाप भी चढ़ेगा और उतना ज्यादा तुमको तंग भी होगा, उनके अपने प्रार्थ को लेके जाएंगे। तुम अपनी सुरक्षा करो जितने कर सको, उनको क्या दोष दे रहा? अब ऐसे फिर 3-4 दिन उन्होंने मारना बंद कर दिया, वो चूहा जानवर हटा दिया, उसे धीरे धीरे कम हो गए अपने आप, कहाँ कहाँ से आते थे अब आने ही बंद हो गए। ये संसार का व्यवहार ही ऐसा है, भगवान ऐसे ही करते हैं। आप जितना किसका पीछे पड़ोगे उतना ही ज्यादा माया जाल फैलाते जाएंगे, और करो पाप जितने करोगे। आज जितना छोड़ दे दो फिर देखो कोई झंझट ही नहीं, अपनी सुरक्षा जितनी आप कर सकते अपने हक से उतना कर लेना, गेहूं चावल हर चीज की। ड्रम बना दिया, ड्रम में रख दो, अब छुए थोड़े ड्रम में काटेंगे, भगवान ने उसका ऐसा दांत बनाया कि ड्रम काटेगा वो, ड्रम नहीं काटता ना, ना ना ड्रम को नहीं काटता। इस तरह से अपने अपने उसके सामर्थ्य हर चीज की दी है, कितना वो कर सकता है। जितना आपके भाग्य में है वो आपको मिलना ही है, या 1000 छुए रहे तो भी आपका गेहूं आपके हिसाब का है ही, वो तो छोड़ने वाला है नहीं। सब एक दूसरे का अन्न बना दिया, मूषकादीनी जयन्तामिति पर्यालोचनं संकल्पं कृतवान्, संकल्प कर दिया। कहे करचरणादि मतो अभिधाने व्रीहादि अग्रहणं स्यात्, कोई कह सकता है व्रीहादि तो ग्रहण नहीं हुआ? कहते नहीं, इसे घन रूपम कठिनम कठोरम,
अमूर्तानाम अपि वायु चंद्र किरणादी नाम सर्पादीन प्रति अन्नत्वम अस्तिति तत्संग्रहार्थम आह। अमूर्त पदार्थ भी अन्न होते हैं, केवल मूर्त ही नहीं, इसे जान के भाषकर चराचर दोनों कर दिया। वायु भी, कि वायु भोजन है सांप का, कई साल तक तो केवल वायु पर जीत जाता है, कोई जरूरी नहीं किसी का अंडा मिल जाए या चूहा मिले ना मिले तो भी और जीता है हवा से। पावाहारी बोलते हैं इसलिए, पावाहारी पवनहारी है सांप, और चंद्र के किरणों पर जीता है, चंद्र के किरणों पर जीते हैं मोर वगैरह देखो मुख्य रूपेण उससे आनंदित हो जाते, सामर्थ्य आ जाता उनको। ऐसे बहुत सारे जंतु है वो भी अन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका संग्रह करने के लिए कि कह रहे हैं धारण समर्थम शरीर धारण के योग्य जो भी चीज सब ले लो, चरम वशकारी अश्रम रिहादि या वैसा मूर्त रजायत जो वह उत्पन्न हुआ था ठोस पदार्थ उसी का नाम अन्न है, ऐसे समझो। अन्नम अन्नम वही तन मूर्ति रूपम या वैसा मूर्त रजायत वह यह जो मूर्त रूपेण उत्पन्न हुआ ठोस रूपेण उसी का दूसरा नाम वास्तव में अन्न है, ऐसा समझो। अन्न तो तैयार हो गया, यहाँ शरीर में इंद्रियां है, इंद्रियों के अभिमानी देवता है, अब अनेक प्रकार का केवल इतना ही नहीं, ये जो खाने योग्य बात सामान्य रूपेण कह दिया गया इन वास्तव में आंख का अन्न क्या है रूप, कान का अन्न शब्द, हर चीज का अन्न अपना अलग अलग है, सब प्रकार का अन्न प्रकट हो गया और वो अन्नों को ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे इंद्रियां, इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तत् सृष्टम परांग अत्यजिघांसत तद्वाचा जिघृक्षत तन्नाशक्नोद वाचा ग्रहीतुं स यद्धैनद्वाचा ग्रहीष्यत अभिव्याहृतेव अन्नमत्रप्स्यत। तदेनत सृष्टम लोकपालों के निमित्त निर्मित उस इस अन्न ने देखा कि ये तो भाई साहब मेरे को नोच के खाने को तैयार है, तो क्या करें, वो लोग अन्न ने क्या किया, उस अन्न ने भोक्ता को अपना मृत्यु समझा, ये तो मेरा मृत्यु है भाई, तो मेरे को खा जाएगा मार डालेगा मेरे को, ऐसा सोच करके वो अन्न क्या किया भागने लगा। म्याव आ जाए आवाज बिल्ली का क्या होता है, चूहा भागता है छिप जाता है। इसी प्रकार जब हम लोग गेहूं काटते हैं चावल काटते हैं एक बार वो बड़ा दुखी होते हैं कि तो आगे हमको काटने वाला, सब्जियां आप अमानिया करते हैं तो दुखी होते हैं, कितना सुंदर खेती में खिले हुए फूल गोभी आकाश और आसमान की खुला हवा का आनंद ले रहा है, सूर्य चंद्र दर्शन कर रहा है, उसको आप लाकर फ्रिज में ठूस देते हैं बेचारे को, इतना दुखी होता होगा वो, लेकिन हम लोग का अन्न हम लोग ऐसा करना पड़ता है। लेकिन एक बार जरूर वो अन्न का अभिमानी जीव जो होता है वो जरूर आपसे विमुख होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जैसे चूहा जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है बिल्ली से। इसी प्रकार से अन्न ने क्या किया, परांग अत्यजिघान सत वह विमुख होकर के भागा, मुख मोड़ कर भागना चाह, जिगांस संबंध है मुख मोड़ करके भागना चाह, मैंने विमुख होकर भागने लगा आपसे। तब तद वाचा जिगृक्षत, तब उस आदि पुरुष ने क्या किया, अन्न को वाणी से ग्रहण करना चाह, तन्नाशक्नोत वाचा ग्रहितम, किंतु वह उसे वदन क्रिया बोलने के माध्यम से ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि इसलिए यद हैनत वाचा, यद मन यदि निश्चित रूपेण एनत इस अन्न को वाणी के द्वारा अनादिकाल उस आदि पुरुष ने यदि अन्न को ग्रहण किया होता, अभिहारित ही अन्न मतृप्यत, आज भी हम सब लोग केवल लड्डू पेड़ा का नाम लेकर के उसका वर्णन कर करके पेट भर जाता, हम लोगों को तृप्ति हो जाती, वाणी से ग्रहण किए होते तो परमात्मा आदिकाल में विराट पुरुष ने अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण कर लिया होता, हा ये देखो सुंदर लड्डू है सुंदर पेड़ा है ऐसा बोल के तृप्त होकर के मस्त हो जाता, तो आज हम लोग भी केवल नाम ले लेकर के ही पेट भर जाता, खाने नहीं पड़ता, झंझट नहीं होता, बनाना नहीं कुछ नहीं,
हम लेते हाँ आज बढ़िया सब्जी है, आज दाल है, ये देखो अरहर दाल है, ऐसा सुनते सांबार है, ऐसे याद कर लेते तो पेट भर जाता। जितनी चौधरी नाम लेते कंजूसी क्यों करते, खूब पेट भर लेते। इन क्या कर, अनादिकाल में उस विराट पुरुष का पेट नाम लेने से भरा नहीं था, नाम लेकर के वो अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया। इसलिए आज भी हम लोग जितना भी नाम लेते रह जाए, पर नाम ले लेकर और मुंह सूख जाएगा और भूख बढ़ जाएगा, घटेगा है नहीं, तृप्ति का होनी है। भाषण तत् एनत अन्नम, वह यह जो अन्न है तदेतद अन्नम, वह यह जो अन्न है लोकपालानाम अर्थे अभिमुखे सृष्टम, लोकपालों का प्रयोजन सिद्धि के लिए उनके सम्मुख सृष्ट उत्पन्न करके रख दिया गया था थाली। तद यथा मूषकादिर मार्जरादि गोचरे सन मम मृत्यु अन्नादिति मत्वा पराग अंचतीति परांग सद अत्रीन अतिथ्य अजिघान सत अतिगंतुम ऐच्छत फलायितुम प्रारभत इत्यर्थ। कहते क्या हुआ, सदत्रीन परांग सदत्री, तो जब उन्होंने जैसे मूषकादि चूहादि मार्जरादि गोचरे, जब उनकी नजर में पड़ गई आवाज सुनाई दिया बिल्ली वगैरह का, वो क्या सोचते हैं, मम मृत्यु, ये मेरा मृत्यु है, मुझको अन्न मान करके मेरे को खाने वाला है, अन्नाद है इति मत्वा मान करके पराग अंचति, और परांग सद अत्रीन उन अत्रियों को खा जो अन्नताओं को विमुख हो करके अतिथ्य और बहुत तेजी से उनसे दूर होता हुआ अतिक्रमण करता हुआ अजगान सत मैंने अतिगंतुम इच्छत हाँ दूर भागना चाहते हैं, फलायितुम प्रारभते इत्यर्थ वह अवश्य भाग जाते हैं। तद अन्नभिप्रायम मत्वा स लोकपाल संघात, अब लोकपाल से विचित्र संघात में सोचा हो ये हमसे दूर भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है, वास्तव में यही हमारा अन्न है, हमसे बचना चाह रहा है, क्यों भी वो भी समझ गए अन्न समझ रहा है ये मुझे खाना चाहते हैं इसलिए भाग रहा है, और वो समझ रहे हैं ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये हमारा अन्न है, हमसे बचना की चेष्टा कर रहा है, हम इसको पकड़ना चाहिए, हमको तभी हमारे पेट भरेगा, इसको खाना चाहिए, ऐसा वो भी सोचने लग गए। इस तरह से अन्नाद सोचने लगा मैं इसको कैसे पकड़ूं और कैसे खाऊं, और अन्न सोचने लगा मैं कैसे इसके बच के भाग जाऊं, दोनों अपने अपने सोच रहे हैं। अब वही चाल चलता है, भागते हैं ये और उनके पीछे लगते हैं, और जो जिसको पकड़े में आएगा उसको खा जाएगा, या नहीं पकड़े में आएगा जिसके भाग्य भी जिंदा होना बाकी है, अभी उनका आयु का बाकी है तो भाग जाएगा, बच जाएगा, पकड़े में नहीं आएगा अत्ता का। सद अत्रीन अतिथ्य जिगन सद, इस तरह का तद अन्न अभिप्राय मत्वा, उसको अन्न का अभिप्राय को जानकर, अन्न का अभिप्राय क्या है, मैं बचूं मैं भाग जाऊं, ये इसका अन्न का अभिप्राय था, उसको जान करके स लोकपाल संगात, वह लोकपालों से विचित्र संगात ने क्या किया, कार्य कारण लक्षण पिंड, कार्य कारण लक्षण वाला जो पिंड है वह प्रथमजत्वाद अन्याश्च अन्नादान अपश्यन वह प्रथमजी था, और अन्य कोई अन्न को खाने वाला उधर उस समय तभी पैदा हुआ ही नहीं है व्यष्टि जीवात्मा, इस समष्टि जो जीवात्मा विराट था उसने क्या किया, तद अन्नम वाचा वदन व्यापार नचिकृत, उस अन्न को वाणी के द्वारा मैंने बोलना रूपी व्यापार के द्वारा अजिकृत ग्रहितुम इच्छत, ग्रहण करने को इच्छा किया। तद अन्नम ना शक्नोत न समर्थो अभवत, लेकिन उस अन्न को ग्रहण करने में वह समर्थ नहीं हो पाया। कैसे समर्थ नहीं हो पाया, वाचा मैंने वदन क्रिया ग्रहित उपादा तुम न समर्थो भवत, वदन मैंने वाणी के द्वारा, वदन क्रिया बोलना रूपी क्रिया नामोच्चारण रूपी क्रिया के द्वारा उनको ग्रहण करने उपान करने में ग्रहण करने में वह समर्थ नहीं हो सका। यहाँ पूर्व पर शंका कर सकता है कि गेहूं चावल वगैरह जो जड़ है चना दाल वगैरह ये भी इच्छा कर देंगे हमसे बचने को, तो जड़ है उनके अंदर इच्छा कैसे होगा, ये अन्नता है हमको खा जाएगा हम बच जाएं हैं भाग जाए यहाँ से, भाग कहाँ से, हाथ पर धोनी कहाँ भागेंगे, वो बेचारे खेती में खड़े हैं, उनके जड़ भी लगा हुआ है जमीन में, भाग भी नहीं सकते हुए बेचारे,
कैसे घटेगा इच्छा उनके अंदर। यदि विरियादि अचेतना अन्नस्य नैवम इच्छा संभवति तथापि भोक्तृ शरीरांतर न प्रविष्ट किंतु बहिरेव स्थितम इत्यत्र तात्पर्य। या तात्पर्य इसका कैसे समझा जाएगा कि ये समझना चाहिए, इस आधार पर कह दिया जा रहा है वे भोक्ता का शरीर में स्वेच्छा पर प्रवेश कर रहे हैं क्या? थाली लगा के रख दिया, रोटी है, सब्जी है, दाल है, सब है, क्या वो चाह रहे हैं अपने आप आने को, अंदर घुस जाए, कट 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 करके ऑटोमेटिक अंदर चला जाए? वो नहीं चाहते अंदर जाना, इसका दूसरे तो बैठे रह गए थाली में ही, आप ले ले करके अंदर डालते हो। इसे ज्ञापन होता है तब भी वो नहीं चाहते अंदर जाना। कई बार आप डाल रहे मुंह में इधर उधर गिर भी जाता है, चम्मच से खाते गिर जा रहा है, वो जाना नहीं चाहते ना अंदर, वो हिस्सा आपका है नहीं, या तो वो नहीं चाहते दो में एक है ना, इसे गिर जाता। इसलिए कहते कि देखो कि भाई बहिरेव स्थित, बाहर में स्थित है वो, इसे ज्ञापन हो रहा है वो अंदर नहीं जाना चाह रहे, अहम से बचना चाह रहे, ज्ञापन हो गया। यही तात्पर्य यहाँ कार्य कारण लक्षण पिंड तद अन्नम वाचा जिग्रीक्षन्वय ननु इदानीमिव प्रथममेव अपानिनैव अन्न जिग्रीक्षा तस्य किमिति नासीत। तब को बोल सकता है आज जो है क्या हम लोग वाणी से पहले प्रयास किया क्या पकड़ने को, आंग से पकड़ने को प्रयास किया क्या, देख करके तृप्त होने का प्रयास किया गया हम लोगों ने? नहीं, जन्म से ही आदत डाल दिया मुंह में, खिलाना शुरू कर दिया, बोतल पकड़ा दिया, नहीं दूध का बोतल मुंह में अन्न डाल दिया, खाना सिखा दिया, सीधे ही अपानी ग्रहण करता हुआ हम लोग आदत है, कभी देख के सुन के मुंह बोल करके इत्यादि अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्न को ग्रहण करने का हमने प्रयास किया ही नहीं है। तो प्रथम पुरुष आदि पुरुष ऐसे क्यों किया? यदि वो अन्य इंद्रियों से प्रयास करके अंत में अपान की तरह ग्रहण किया होता तो फिर आज हमें भी ऐसे करना चाहिए था, ऐसा कोई आशंका करें तब कते नाजीति आशंका तस् इदानीतन शरीर अपेक्षा प्रथमजत्वात् वास्तव के शरीर की अपेक्षा से प्रथमज है। तदानीं च अपानिन अन्नादत्यस्य अनिश्चयात् तस्य वागादिना अन्न जिघृक्षा युक्ता। अतः वास्तव में उस समय में उस प्रथमज को पहले से निर्णय नहीं था कि अन्न को मैं किससे ग्रहण करके खा पाऊंगा, यह निश्चय नहीं था, अनिश्चयात् तस्य वागादिना जिघृक्षा, इसलिए वागादि उसने इच्छा करी। अब जब उसको निश्चय हो गया तो उस निश्चय को उसने हम सब वेष्टियों में भी डाल दिया, अतः हम लोग सीधे ही खाना जान लिया। युक्त इत्याशंग्या प्रथम जत्पात असमुदाद्य अपेक्षया इत्यर्थः। यस्मिन् प्रसृता अन्नम अदाम इत्युपक्रांतस्य वेष्टिशरीरस्य समष्टिपिण्डापेक्षया प्रथमजत्व अभावाद अपश्यन् अजानन् इत्यर्थः। क्योंकि जो है जिससे प्रश्नित होकर अन्न को हम खाएंगे ये प्रश्न डाला था देवताओं ने, अतएव वेष्टि शरीर का समष्टि पिंड अपेक्षा से प्रथम तो हो नहीं सकता, इसलिए सब प्रकरण में प्रथमज को ही लिया जाएगा, उसने ऐसे ऐसे प्रयास किया था। स प्रथमज भाष्य में शरीरी यद मन यदि हैनद वाचा अग्रहिष्यत गृहीतवान स्यात्। वह मने प्रथमज विराट पुरुष शरीर वाला समष्टि शरीर वाला यदि निश्चित रूप यद कार्य यदि हा निश्चय रूपेण एनत इस अन्न को वाचा मैंने वाणी के द्वारा अग्रेषित गृहवान सियात ग्रहण किया हुआ होता तो सर्वोपि लोक तद कार्यभूतत्वाद अन्नम अभिव्याहृत अन्नम अतृप्यत तृप्त अभविष्यत। तो आज सारी दुनिया उसी विराट का कार्य होने के नाते अन्न को वाणी के उच्चारण कर करके नाम आदि कथन कर व्याख्या कर करके ही अन्न को खा करके तृप्त हो जाते, न चैत दस्ती लेना आज ऐसा नहीं होता। अतो ना शक्नो द्वाचा ग्रहितुम इति अवगच्छामः, ऐसे निश्चय होता है निश्चित रूपेण वह आदि पुरुष विराट पुरुष प्रजापति ने वाणी के द्वारा अन्न को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था, ऐसा हमारा निश्चय है। पूर्वजों में भी ऐसे ही था। समानम उत्तरम शेष शब्द समान अर्थ वाला ये ग्रहण करें। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के लिए कह देंगे, देखिए तत्प्राणेन अजिगृक्षत नाशक्नो प्राणेन ग्रहीतुम सयद् हैनत् प्राणेन ग्रहीष्यत् अभिप्राण्यैव अन्नम अतृप्स्यत
तक्षुषा चिकृक्षत तन्नाशक्नो चक्षाग्रही तुम सैन चक्षुषाग्रहीष्यत दृष्टवा ही अन्नम अतरक्षत ये श्रोत्रेण चिकृक्षत तन्नाशक्नो श्रोत्रेण ग्रही तुम स यद्धैन श्रोत्रेण अग्रहीष्यत श्रुत्वा ही अन्नम अतरक्षत तत्वजा अचिकृक्षत तन्नाशक्नो त्वचा ग्रही तुम सैन त्वचा ग्रहीष्यत स्पृष्टवा ही अन्नम अतरक्षत तन मनसा चिकृक्षत तन्नाशक्नो मनसा ग्रही तुम सैन मनसा ग्रहीष्यत ध्यात्वा ही अन्नम अतरक्षत तच्छिष्णेन अजिगृक्षत तन्नाशक्तिच्छिष्णेन ग्रहीतुं सैद्धैनच्छिष्णेन अग्रहीष्यत् विसृज्यैव अन्नमद्रप्स्यत् तदपानेन चिकृक्षत् तदावयत् सैषो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायुः तत्प्राणेन अजिगृक्षत्। फिर उस पुरुष ने उस अन्न को प्राणन क्रिया से पकड़ना चाहा। प्राण से ग्रहण इंद्रिय इंद्रिय है ना, पहले वाणी इंद्रिय आया, बाद में चक्षु आ रहा है, बीच में कहा हुआ प्राण शब्द का अर्थ होता है घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करना चाह पकड़ना चाह अन्न को, तो नाशक प्राण ग्रही तुम और ग्रहण इंद्र के द्वारा उस अन्न को पकड़ नहीं सका। इसलिए यदि स वह प्रथमज विराट पुरुष एनत इस अन्न को प्राण ग्रहीष्यत यह घ्राण इंद्र के द्वारा सुंग करके ग्रहण कर लिया होता तो आज भी अभिप्राण नहीं अन्न मतलब से तो हम लोग भी केवल अन्न को सूंघ करके ही तृप्त हो जाते। खाने की जरूरत नहीं, केवल उसका सुगंध आ गया। वह कोई कहीं पकौड़ी पका रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कुछ बना रहा है, उसका सुगंध सुगंध ले लेकर के आपका पेट भर जाता है। आज तक ऐसा नहीं होता, इसे ज्ञापन होता है आदि पुरुष ने भी ग्रहण इंद्र के द्वारा अन्न को ग्रहण करके तृप्त नहीं होता, अर्थात वो ग्रहण ही नहीं कर सका था, ये निश्चय होता है। उस पुरुष ने इसी प्रकार नेत्र से ग्रहण करना चाहा, चक्षु के द्वारा अन्न को ग्रहण करना चाहा, तन्नाशक्नो चक्षाग्रहीतुम तेन वह पुरुष अन्न को चक्षु के द्वारा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। यदि वह आदि पुरुष इस अन्न को चक्षु ग्रहण कर लिया होता, देख के ही तृप्त हो गया होता, तो निश्चित रूपेण आज भी हम लोग देख के ही अन्न को देख करके ही तृप्त हो जाते। तच्छ्रोत्रेण अचिकृक्षत वह पुरुष ने इस अन्न को श्रोत्र के द्वारा पकड़ना चाहा, तन्नाशक्नो श्रोत्रेण ग्रहीतुम वह श्रोत्र इंद्र के द्वारा व्यापार से ग्रहण न कर सका, अतः सुन कर गई केवल विभिन्न प्रकार के पकवानों को बारे में सुन करके वह तृप्त नहीं हुआ, अतः सुनने के माध्यम से वह ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह ग्रहण सुनने के मा से कर लिया होता अन्न को, फिर तो आज हम लोग भी सुन करके ही अन्न के बारे में जो अच्छी तरह सुन लेते, व्याख्यान सुन लेते, इसके भाष्य पढ़ लेते तो तृप्त हो जाते। फिर तो ऐसे भाष्य कौन पढ़ता है? एक जो है होम साइंस पर भाष्य लिख दिया जाता, होम साइंस बोलते हैं ना इसको, भोजन पानी वाले का, इन प्रकार से कैसे कैसे भोजन बनाया जाता है, तो उसके भी पुस्तक छपते हैं आजकल, बड़े बड़े मोटे मोटे पुस्तक आ गए हैं, हर आइटम बनाना कैसे बनाना सारा विधि विधान दिया है उसमें छापे हैं, और उस पर भाषा लिख देते शंकराचार्य, उसको पढ़ के मोक्ष हो जाता, सबको तृप्त हो जाता, आनंदित हो जाते, लेना ऐसा होता नहीं। तो त्वचा चिकृक्षत इसी प्रकार से यदि पुरुष उस अन्न को त्वचा मतलब तो इंद्रिय से ग्रहण कर लिया होता, स्पर्श के द्वारा ग्रहण कर लिया होता, तो हम भी आज ग्रहण कर लेते ना, लेकिन वह त्वग इंद्र के द्वारा स्पर्श के माध्यम से वह ग्रहण नहीं करने में समर्थ नहीं हुआ था। स यद्धैन त्वगा त्वचा ग्रहीष्यत यदि वह आदि पुरुष इस अन्न को त्वग इंद्र मैंने स्पर्श के माध्यम से ही केवल ग्रहण कर लिया होता, स्पृष्ट है वन्न मतलब से, तो आज हम लोग भी स्पर्श कर करके केवल सारा भोजन को छू देते, छू छू करके ही तृप्त हो जाते। तन मनसा चिकृक्षत और फिर स्पर्श ने अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह अन्न को मन से ग्रहण न कर सका। मनसा ग्रहीतुम नाशक्नोत सयद्धैन मनसा ग्रहीष्यत यदि वह परमपुर आदि पुरुष इस त्वचा से इस मन के द्वारा उस मन के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता ध्यान चिंतन आदि के माध्यम से, फिर तो आज इस समय में भी पुरुष अन्न को मन से ध्यान करके चिंतन करके मनन करके ही तृप्त हो जाता। तच्छिष्टेन अग्रिक्षत और वह उस अन्न को शिष्ट से ग्रहण करना चाहा, मैंने अपना जननेन्द्रिय उपस्थ के द्वारा ग्रहण करना चाहा, या रोटी पानी ले सकते ना, इसलिए
उसका जो विषय है आनंद ना, आनंद करने के लिए, प्रजनन के लिए, संतान उत्पत्ति ही उसका भोजन है, उस इंद्रिय का, उपस्थ इंद्रिय का लघुशंगा करना इत्यादि, शौच करना, वायु का काम, वो अपना तो उन व्यापार के द्वारा वह तत्त अन्न तत्त विषय को ग्रहण करना चाहा, लेकिन वह भी करने में असमर्थ हो गया, नाशक्त चेष्टित कर ही तुम। यदि वह इस समय सन को शिष्य से ग्रहण कर लिया होता आदि पुरुष ने, निश्चित रूप आज भी हम लोग अन्न को विसर्जन कार्य के द्वारा ही करके तृप्त हो जाते, बल्कि विसर्जन कर लेते हैं तो और भूख बढ़ जाता है, नहीं ही तो होता है ना, पेट खाली हो जाए तो क्या होगा, शौच बढ़िया हो जाए जिस दिन पूरा साफ हो गया तो भूख बढ़िया भूख लगेगा, यदि ठीक साफ नहीं हुआ तो आधा आधा भूख रहता है, ठीक नहीं रहता है भूख, उल्टा है, विसर्जन से तृप्ति कहाँ है, भूख बढ़ जाता है। तो अंत में और भी सब इंद्रियों को लेना, इतना बताया जो उपलक्षण है, इसी प्रकार उसने इस अपान के द्वारा से ग्रहण करना चाह, तत् अपान जिगृक्षत, वह आदि पुरुष ने अन्न को अपानन क्रिया के द्वारा ग्रहण करना चाहा, तब क्या हुआ, तद आवयत, वह अन्न को ग्रहण कर लिया। आज भी चले क्या होता है, यदि आपकी अपान वायु ठीक नहीं है तो उदान वायु प्रबल हो जाए तो जहां मुंह में डालो वो बाहर आ जाएगा, फट उल्टी हो जाएगा, टिकेगा नहीं, अंदर डाला हुआ टिकता क्यों नहीं है, अपान वायु आपका बिगड़ गया, अपान वायु सब पकड़ता नहीं, ग्रहण नहीं कर रहा है, वो ग्रहण करके नीचे की ओर ले जाता है ना, अपान वायु अन्न को ले जाता है, और अंधेरे सड़ा गड़ा होता है तो क्या होता है, जब निकालेगा बाहर निकलता है अपान वायु तो तब नाक बंद करते हैं, क्या छोड़ा गैस इसने, इसके अंदर ठीक पचता नहीं, भोजन सड़ रहा है, रात दुर्गंध आ रहा है, नहीं और बम से बुड़म करके छोड़ देते हैं, कोई दुर्गंध नहीं आता, हाँ इसका पेट ठीक ठाक है, नहीं व्यवहार है, तो व्यवहार में सर्वानुभूषित मामला है। तो अपान वायु अन्न को नीचे ले जा रहा है, यदि नीचे ले जाना बंद कर देगा तो उदान वायु फट उसके बाहर फेंकना शुरू कर देगा, उल्टी हो जाता है। मरण काल में भी आप देखिए लोग क्या कहते हैं, मुंह में पानी दे दो, गंगा जल छोड़ो, एक घुट गया, दो घुट गया, जा रहा है तो समझे हाँ ठीक ठाक है, जिंदा है, और जाना बंद और वापस बाहर आने लगा तो समझे अब गया है, तो छुट्टी पाया, मकान की किराया जितना दिया तो पूरी हो गई, अब मकान छोड़ के जा रहा है, किराए का मकान मिला ना, तो एडवांस पेमेंट हो रखा है किराया, तो अपने कर्म फल भोग, कर्म हम लोग कर रखे हैं, कर्म ही किराया है, दे रखे हैं, जब तक वो किराया चल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन किराया खत्म हुआ भगवान रामराज जाएंगे, बोले चलो भाई खाली करो मकान, खाली करो ले जाएंगे आपको। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो है ना अपान वायु वही अन्न को ग्रहण करता है, यद वायु, जो वायु अन्य से ग्रह अन्न का इस प्रकार से ग्रहण किया है, सैशो अन्न से ग्रह यद वायु, वह यह अपान वायु ही अन्न ग्रहण करने वाला है। तो जो वायु यद वायु इस प्रकार से अन्न द्वारा अन्नायु अन्नेन आयु इति अन्नायु अन्न द्वारा जीवन वाला है, जीवन प्रदान करने वाला है, इसलिए वह अपान वायु ही है, जिसको हम दूसरा नाम क्या रख देंगे, आयु भी नाम उसी का है। भाषा तत् प्राणेन तत् चक्षुषा तत् श्रोत्रेण तत् त्वचा तन् मनसा तत् चष्टेन तेन तेन कर्ण व्यापारेण, सब कोई इकट्ठा ले लेना सारे मंत्रों को, एक जाप का कौन सा चौथे से नौवें तक, चार पांच छह सात आठ नौ पूरा इकट्ठा ले लिया, ये सारी इंद्रियां अपने अपने व्यापार के द्वारा अन्नं ग्रहीतुं अक्षक्नुवन् अन्न को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए, तब पश्चात अपानेन वायुना मुख छिद्रेण तद अन्नम अजिगृक्षत, अपान वायु के द्वारा वो भी किससे किस छिद्र से, मुख छिद्र से डाला और नीचे में रहने वाला अपान वायु ने उसको फट खींच लिया, आपने नीचे की ओर ले लिया, आप यहां से डालते हो और वो तुरंत नीचे चला जाता, क्यों, ये जो अपान वायु है पेट में नाभि से नीचे की ओर रहता है, जो वो उसको खटाखट पकड़ते जाता है, नीचे की ओर खींचते जाता है, तो आ रहा है इसलिए जा रहा है सब
पानी पीते हो, चाय पीते हो, सब अंदर चला जाता है। और वो अंदर कैच पकड़ना छोड़ दे ना, कैच पकड़ रहा है ना, इधर से अपन भाई आप जो डाल रहे हो उसको। दक्षिण में कई लोग ऐसे होते खाते हैं, देखते बड़ा कईयों को तो खराब भी लगता है। वो क्या करेंगे, चावल को गोला बना देंगे, बॉल जैसे बना देंगे, बॉल। हम देखते तो क्रिकेट में एक्सपर्ट लोग है ही, क्रिकेट आ गए तो बॉल फेंक दिया और बॉल को तुरंत अपन ने कैच कर दिया, खड़ा आउट हो गया, वन आउट हो गया। और क्या होगा, आदत है लोगों की अपनी, लेना अपान वायु ने अंदर वो पकड़ रहा है, ग्रहण कर लेता है सारा। वायु ना मुखचित्रे न तद अन्नम अधिकृक्षा, उस अन्न को उसने ग्रहण करना चाहा, तद आवेत चाय ने वास्तव पकड़ ही लिया, तद अन्नम एवं जग्राह अशितवान, वह इस प्रकार से अन्न को ग्रहण किया। तो मतलब है वो अन्न को उसने खा लिया, खाने वाला हो गया अपान वायु, वास्तव में अन्न को खा लिया। तेन स एषो अपान वायु अन्न से ग्रहो अन्न ग्राहक, इसी वजह से इस अपान वायु को अन्न का ग्रह मन अन्न का ग्राहक, अन्न को ग्रहण करने वाला, ऐसा उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। यद वायु यो वायु, यद वायु मने यो वायु, अन्नायु हो अन्न बंधनो अन्न जीवनो, अन्नायु का मतलब क्या, अन्न ही है बंधन, अन्न बंधना अन्न रूप बंधन वाला, और अन्न जीवन अन्न माध्यम से प्राप्त जीवन वाला, ऐसा वही प्रसिद्धम स एष यो वायु, वायु जो वायु है वो ऐसा इसका प्रसिद्ध है, समझो। वह अन्नायु नाम से उस अपान वायु को कहा जाता है, जो अपान वृत्तिमत प्राण से अन्न ग्राहकत्व प्रसिद्ध दृढ़ीकर्तुम अन्नायुर्ति वाक्यम व्याचष्टे, अन्नम दाम इत्यंतरे प्राणस्य अन्नायुष्टम प्रसिद्धम इत्यर्थः। श्रुत्यंतर में विधायक उपनिषद दो दो में दिया है, द्वितीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण, यो वैशिष्यम साधारण सप्रत्याधानम सस्तूणम सदामम वेद इत्यादि के द्वारा स्पष्ट कहा हुआ है वहां पर। स ईक्षत कथम विदम मदृते सियादिति, स ईक्षत कत्रेण प्रपद्या इति, स ईक्षत यदि वाचा भी व्याहृतम यदि प्राणेन भी प्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम यदि त्वचा स्पष्टम यदि मनसा ध्यातम यदि पाणि अभ्यापानितम यदि सृष्टेन विसृष्टम अत कोऽहमिति। तीन बात उसके दिमाग में उठा अब परमेश्वर का, माने विराट अभिमानी ब्रह्म समझो, उस परमेश्वर ने विचार किया या लोक लोकपाल के जो संघात रूप जो पिंड है, इदम पिंडम मदृते मेरे बिना कैसे रह सकेगा, मुच्चेतन के बिना यह पिंड कैसा जिंदा रहेगा, कोई भी पिंड हो वह चेतन के बिना कब तक रखेंगे आप उसको, मरा मुर्दे को भी कई महीनों तक भी रख लेते हैं आप, फिर भी कब तक, एक मरा दो महीना मरा है, अब उसको डॉक्टर लोग जबरदस्ती जिंदा करके दिल बना रहे हैं, ऐसे जमाना हो गया। और लोग भी ऐसे हैं, बाप मर गया उनके एक ही बेटी और दामाद थे, वो रहते थे दूर बम्बई में, और बाप मर गया बुढ़ाया रहता था शहर में, तो मर गया जोली ग्रांट में हॉस्पिटल में, अब वो बेटी मुंबई से फोन कर दिया जब तक मैं नहीं आऊँगा मृत घोषित नहीं करना, मुर्दा किसको नहीं देना, अब उसको आईसीयू में है ना होता ना, उसमें रख दिए हैं बक्से में पड़ा है, और सब देख रहे पाइप सब लगा रखे हैं मुर्दा है, और बिल बना रहे हैं लोग, जितना दवाई दिया इतना ये दिया वो दिया। वो लड़की आई करीब 10-12 दिन बाद, आ करके वो सब पेमेंट वेमेंट कर दिया, मुर्दा निकाल ले, और उस समय घोषित कर दिया ये आई इनके आते इनको देखने के बाद वो मर गए। अब बताओ इन कब तक रखते हो, अभी मान 10-12 दिन तो रख भी लिए, महीना भर भी मान लो उसको इस तरह से दवाइयों के माध्यम सुरक्षित कर दे, उसके बाद तो सड़ेगा ही, वो कितने दिन तक बचा कर। जैसे ईश्वर ने सोचा ये अन्न आदि को खा पी करके कहाँ तक कहा टिक पाएगा, मेरे बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। फिर एक क्षण की असही क्षता, लेकिन ना मैं जाऊं तो इसके अंदर कैसे जाऊं, चेतन ईश्वर ने सोचा मैं इसके अंदर कैसे प्रवेश करूं, कि जितने भी छिद्र है इनके अंदर दूसरे दूसरे देवता लोग जा चुके ना अंदर, दूसरों के मार्ग है ये सब रूट, यहाँ तो सूर्य देवता गया है, यहाँ अग्नि देवता चला गया, सब क्षेत्र में एक एक देवता गए हैं ना सारे में,
अब वो देखा कौन सा ऐसा छेद है यहाँ पर जिसे कोई देवता अब तक प्रवेश नहीं किया हो, उस क्षेत्र से मैं घुस जाऊंगा, क्योंकि शुद्ध पवित्र मार्ग रहेगा ना। जो मार्ग अन्य छोटे मोटे लोगों के द्वारा प्रयुक्त नहीं है वह मार्ग राजा का होता है, राजमार्ग बोलते हैं इसे। हाँ मतलब थोड़े से घुस जाएगा आसानी से, राजमार्ग राजा के लिए है वो रूट। अब इस तरह से राजमार्ग ये ढूंढ रहा है ईश्वर कौन सा मार्ग होगा इसके अंदर रूट जहाँ से मैं प्रवेश कर सकूँ। कतरे न प्रपद्याई थी, विचार किया मैं किस मार्ग से इस शरीर में प्रवेश कर जाऊँ। सत उसने पुनः विचारा, यदि वाचा भी व्याहृतम, मेरे बिना भी यदि वाणी से बोल लिया जाए, यदि वाणी मेरे बिना भी अपना बोलना रूपी क्रिया करने लग जावे, यदि प्राण अपने प्राण क्रिया करने लग जावे, यदि चक्षु अपना देखना रूपी क्रिया को करने लग जावे, और त्वचा अपना स्पर्श रूपी क्रिया करने लग जावे, श्रोत्रेन्द्रियो अपना सुनना रूपी कर्म करने लग जावे, त्वचा स्पृष्टम यदि मनसा ध्यातम, और इसी प्रकार से यदि मन के द्वारा ध्यान कर लिया जाए, अपान क्रिया के द्वारा अन्न आदि ग्रहण करना रूपी कार्य करने लिया करना स्वतः करने लग जावे, और शिष्ण के द्वारा विसर्जन क्रिया स्वतः ही करने लग जावे, तो अद कोहम इति, फिर मैं कौन रह गया बताओ, मेरा क्या मतलब रह जाएगा इस संसार में। अर्थात मेरे बिना उक्त शरीर व्यापार हो जाने पर मेरा कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, रह जाएगा क्या। जैसे राजा के बिना सारा पूरा राज्य ठीक ठाक चल रहा तो राजा की जरूरत क्या रह जाता है, हैं? राज्य के बिना ठीक चलता नहीं, उसका डंडा उसका भय की जरूरत है तब सब ठीक ठाक चलेंगे। ऐसे आज भी हालत ये है, सरकार के बिना कैसे चलेगा देश, कोई ना कोई सरकार बनाओ, इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो, दो चार एमपी इधर उधर जोड़ जाड़ करके कैसे सरकार खड़ा कर दो, होना चाहिए कोई रहता है 20 पार्टी मिलकर के बना दी एक बार नहीं 18 पार्टी मिलकर के बना दी, सब दो दो चार चार दो चार सब मिला मिलो करके कैसे देश बना दी, होना चाहिए कुछ ना कुछ, उसके बिना जो है देश चलेगा नहीं। जैसा आप जानते इधर राजा वेद की हालत हुई थी ना, कोई नहीं क्या करा, फिर ब्राह्मणों ने उसी के जान को खूब मथन किया मंत्र से, फिर उसके बाद से प्रकट हो गए जीवात्मा, अब उसको कह के तुम देश का राजा बन जाओ। मां भगवत में ना कथा वेन का, तो इस तरह से जो है अनेक कहानियां आई बिना राजा का, जिस प्रकार से राज्य नहीं चल सकता, इसे बिना चेतन इस जीव का ब्रह्म ही जीव रूप में प्रवेश नहीं करेगा, यह शरीर भी चल नहीं सकता। भाषा स एवं लोक लोक पाल संघात स्थिति अन्य निमित्तां कृत्वा पूरा पौर तत्पालयित्री स्थिति सभाम स्वामी इव ईक्षत, स्वामी इव ईक्षत। कहते हैं वह ईश्वर परमेश्वर इस प्रकार से भोग का अधिकरण भूता लोक, भोग का आयतन समष्टि विष्टि शरीर, भोग के उपकरण इंद्रियां वागादि समष्टि शरीर में, लोकपालत्व वैष्ट शरीर के शरीर वृष्टि शरीर कर्ण अधिष्ठातृत्व न, और वृष्टि शरीर में कर्ण का अधिष्ठातृ रूपेण लोकपालों का स्थितानांच देवानाम भोगे, सिर्फ देवताओं का भोग के लिए प्रेरक योर अशनया पिपास यो, और उनका प्रेरक भी कौन की प्रवृत्ति के लिए भूख और प्यास, ये सारा तैयार कर दिया। तब प्रयुक्त से कर्णनिष्ठ से शब्दादि विषय ग्रहण लक्षण से भोग से अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठ से, और उन कर्ण के द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण करने के लिए भोग्य अन्न को ग्रहण करने के लिए अपान वृत्ति वाला प्राण को भी प्रकट कर दिया। इस अन्न पान ग्रहण लक्षण से भोगस्य आत्म संसारित्व सिद्धार्थम, ये सारा भोग क्यों बनाया, अपने अंदर संसारित्व सिद्ध करने के लिए, सृष्टिम अभिदाय सृष्टि का कथन करके इदानीं संसारिणं भोक्तारं दर्शयितुम, अब तक संसार का सृष्टि हुआ और अब संसारी का सृजन, संसार तैयार हो गया, इसमें संसारी जीव को तैयार पैदा करना है, अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, वह आगे की सृष्टि आरंभ होता है, चिंतन आरंभ हुआ भगवान के अंदर, अब संसारी कैसे होगा, भोक्ता कौन होगा इसका, स्वयं प्रवेश कर जाएंगे भोक्ता बनेंगे और कोई है नहीं। सष्टुर ईश्वर से विचारं दर्शयितुं सैक्षति इति वाक्यः, इसी विचार को दिखाने के लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है। तत् सृष्ट्वा
तो देव अनुप्राविशत जो कहा था ना वहां पर तैत्रोपनिषद में, एक ऋषि के विस्तार अपना समझा रहे इसका सृष्टि करके इसी में वो प्रवेश कर जीवा अन्य जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरण वाणी जो कहा था छांदोग्य में, वो सारी बात यहाँ पर देव साफ हो जाता है। सैवम इत्यादि लोक लोकपाल संघात स्थिति मत अन्न निमित्तां कृत्वा इन सब के स्थिति को सैव क्या क्या चीज है लोक लोकपाल और संघात इन सब के स्थिति अन्न निमित्तां कृत्वा इन सब की स्थिति को अन्न निमित्त करने के पश्चात इन सब की स्थिति को अन्न के निमित्त करने के पश्चात पूरा पौर तत्पालयित्री स्थिति समान स्वामी वही क्षत उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वामी ने संकल्प करता है कब एक नगर को स्थापना किया नगर के अंदर नगरवासियों को स्थापना कर दी और नगरवासियों के ऊपर उनको पालन करने विभिन्न अधिकारियों की स्थापना कर दिया पूरा पौर और तत्पालयित्री उनको पालन करने वाले विभिन्न अधिकारी विभिन्न डिपार्टमेंट बना दिए सब अधिकारियों को बना दिया अले उनकी स्थिति समान स्वामी इच्छत और उन सब की स्थिति बने रहे ठीक ठाक ढंग से उसके लिए जैसे स्वामी जो राजा संकल्प करता है और अनुशासन बनाया उसके अनुसार सब का संचालन करता है उसी प्रकार वह भी है जहां भी हुआ है समझो कथन केन प्रकार वितर्क इदम मदृते मामंत्रेण पुरस्वामिनम पुरस्वामी के बिना जैसा शहर बर्बाद हो जाता है उसी प्रकार से मेरे बिना यह जो है ना शरीर आदि सारा चीज कैसे टिकेगा किस प्रकार से ये टिक सकते हैं ऐसा वितर्क करता हुआ चिंतन करता हुआ वह पुरस्वामी के समान का दृष्टान दिया पुरस्वामिनम पुरस्य पौराणाम प्रवासिना तत्पालित्रीणाम राज नियुक्त अधिकारीणाम स्थिति समान तत्तुल्याम अन्न निमित्ताम अन्नाधीनाम संघात स्थिति कृत्वा स्थिति कर्तव्य दिया उसका जो संचालन कैसे होगा लोकादीन सृष्ट्वा इति द्रष्टव्यम् इदं कार्यकरण संघातम् कार्यं च वक्षमाणम् कतन्नु खलु मा मंत्रेण स्यात् परार्थं सत् क्योंकि नियम है ना संघातस्य परार्थत्वात् जो संघात होता है हमेशा दूसरे के लिए होता है यह मकान किस लिए है मकान मकान के लिए होता है क्या यह मकान आपके लिए होता है खिड़की खिड़की के लिए नहीं है खिड़की आपके लिए है दरवाजा दरवाजे के लिए नहीं होता दरवाजा आपके लिए है न संघात और संघात का प्रत्येक अवयव जड़ीभूत जड़भूता है वे अपने लिए नहीं होते वे दूसरे के लिए होते हैं यानी स्व से भिन्न इस मकान से भिन्न आपके लिए मकान है उसी प्रकार से यहाँ पर समझना ये सारा शरीर इंद्रियां इनका विषय ये सब वृत्तियां सब कुछ ये अपने लिए नहीं होते किंतु वो उनसे भिन्न आपके लिए होते हैं आप इसे मालिक स्वामी आपके लिए सारा चीज यदि दाम कार्य कारण संघातम वह यह जो कार्य कारण संघात है और कार्य चुक्षमाणम और आगे कह जाए कार्य भी सारा चीज कथन कुल महामंत्रेण मेरे बिना किस प्रकार से हो सकते हैं क्योंकि हो ये थे ही दूसरे के लिए परार्थं च सत् परार्थ होता हुआ दूसरे के लिए होता हुआ वे अपने आप में कैसे टिक सकते हैं इत्यादि उसने विचार किया।